जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईबी रिक्वायरमेंट 2022-23 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें बम्पर वैकेंसियां निकल चुकी है। यदि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें, काफी बड़ी भर्तियां हैं। ओके दोस्तों, इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी सैलरी मिलने वाली, कैसे हम लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्या जॉब लोकेशन रहेगी, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जोर कर दे, और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोर कर ले ताकि ऐसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA इंटेलिजेंस ब्यूरो IB खुफिया विभाग में। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले कौन कौन से पोस्ट है इसमें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्सिक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पे वैकेंसियाँ आई हुई है। ओके इसकी दोस्तों हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसियाँ 1671 है, जो कि लगभग 2000 के आसपास हो ही गया। ओके सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी एक्सिक्यूटिव में 1521 वैकेंसियाँ हैं, और मल्टीटास्किंग स्टाफ में 150 वैकेंसियाँ। ओके काफ़ी अच्छी दोस्तों यहाँ पे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसमें फॉर्म भर के अपना नाम भी कमा सकते हो और सैलरी भी अच्छी खासी दी ही जाएगी, उसकी मैं आगे जो है कि डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई के लिए 5 नवंबर 2022 है, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई के लिए 25 नवंबर 2022। ओके लास्ट डेट फॉर पे फिर भी आपको जो है कि 25 नवंबर 2022 से पहले ही आप जो है कि ठीक कर दे तो अच्छा रहेगा। और सैलरी की दोस्तों मैं बात करूँ तो सेक्रेटरी असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव के लिए 21,700 से लेकर के 59,100 रुपये लेवल सैलरी दी जाएगी लेवल 3 के अनुसार। अब दोस्तों हम लोग मल्टी टास्किंग स्टाफ सैलरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए लेवल 1 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। अब दोस्तों इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों मैं बात करूं तो सिर्फ 10th पास रखी गई, काफी बंपर वैकेंसी आई हुई है, आप इस फॉर्म को अवश्य भरें, सिर्फ 10th पास वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, जरूर शेयर करें, आप अपने दोस्त को अपने घर में जो भी 10th पास कर लिए हैं, जो भी लड़के जो है कि इस नौकरी को अप्लाई करना चाहते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, उसके पास दोस्तों ये वीडियो आप अवश्य भेजिए। एज लिमिट की दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज 18 वर्ष है, और मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखा गया है फॉर MTS पोस्ट के लिए। ओके मैक्सिमम एज 27 वर्ष सिक्योरिटी असिस्टेंट या एक्जीक्यूटिव के लिए रखा गया है। अप्लीकेशन फी की दोस्तों मैं बात करूँ तो जनरल OBC EWS के लिए 450 रुपये रखा गया है, SC ST एंड फीमेल के लिए 50 रुपये रखा गया। ओके सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों मैं बात करूँ तो Tier 1 ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, Tier 2 का भी ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ओके Tier 3 में इंटरव्यू या पर्सनलिटी टेस्ट होगा। दोस्तों यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे आपको जो चैनल मिल जाएंगे जिसमें कॉम्पिटिशन की तैयारी अच्छे से हो जाती है। ओके तो दोस्तों वहाँ पे जाकर के आप कॉम्पिटिशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो उससे भी दोस्तों यहाँ पे मैच हो सकती है क्वेश्चन सारे। ओके तो सबसे पहले आपको जो है कि आपको जाना है एजुकेशनल चैनल पर, और वहाँ पर दोस्तों आपको कोई कोर्स सेलेक्ट कर लेना है जो इस चीज़ की तैयारी कराती है। ओके अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई और मोड जो है कि ऑनलाइन होने वाली है, और जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी। ओके ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो www.mha.gov.in जो है कि यहाँ पे दिया गया, और इसका लिंक मैं इस वीडियो के सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से इस फॉर्म को जो है कि भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जोर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।